साउथहैम्पटन से हर खबर मिलेगी सबसे पहले। विराट की रणनीति क्या होगी, हम बताएंगे सबसे पहले। कोच की कूटनीति से लेकर तैयारी की हर एक खबर सबसे पहले। इंग्लैंड में इंडिया न्यूज़। हेलो एंड वेलकम टू आवर वर्ल्ड कप स्पेशल। दिस इज मिशा एंड मेरे साथ है राजकुमार जी, जो इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान हमारे साथ बतौर स्पेशल गेस्ट मौजूद रहेंगे और इंडिया न्यूज भी इस वक्त इंग्लैंड पहुंच चुका है, इस पे भी बात करेंगे। तो राजकुमार सर, एक रिलीफ की बात है कि विराट फिट हैं और विराट हिट होने वाले हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब था ये सभी के लिए कि कप्तान विराट कोहली अनफिट तो नहीं है, और मुझे इतने फ़ोन्स आ रहे थे, इतने लोग चिंतित थे, तो मुझे लगा कि ये वाकई सीरियस बात है। लेकिन खुशखबरी ये है कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है और वो पूरी तरह फिट है। वो हल्का सा निगल था जो कैच पकड़ते हुए अक्सर क्रिकेटर्स को लग जाती है थोड़ी सी, तो उस पर आइसिंग किया उन्होंने और अब वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और इसी कवरेज को हम और खास बनाने के लिए लंदन तक इंडिया न्यूज पहुंच चुका है। हम जल्दी ही राजीव से कनेक्ट कर रहे हैं। राजीव इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है। राजीव, हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? पहली तो अच्छी खबर यह विषय की लंदन की ठंडक में मैं आ चुका हूँ, इंग्लैंड के खुशगवार मौसम में मैं आ चुका हूँ, और भारतीय टीम के लिए खुशखबरी ये है कि विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरह से फिट नजर आए, यानी कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलते नजर आएंगे। वैसे भी इंग्लैंड से तीन खुशखबरियां हैं मिशा, जिसका जिक्र मैं आपसे भी करना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन पहले की अगर बात करें तो ओवल के मैदान पर जिस तरह से बांग्लादेश ने हराया साउथ अफ्रीका को, वो अपने आप में बड़ी खुशखबरी थी। इसके अलावा बात अगर हम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वहीं अब भारत की बारी है जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेंगे मैदान पर। तो ओवरऑल अगर हम ग्रैंड पिक्चर की बात करें, बड़ी पिक्चर की बात करें, तो इंग्लैंड के खुशगवार मौसम की तरह भारतीय टीम के लिए भी तमाम अलग अलग मैदानों से इंग्लैंड के खुशखबरी इस समय भारतीय खेमे में पहुंच रही है। मिशा, राजीव, आई एम अ लिटिल जेलस ऑफ यू दैट यू स्टैंडिंग इन अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज प्रीटी लो। यहाँ तो बहुत गर्मी है, 46 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है और पारा क्रिकेट को लेकर भी हाई है देश में। मेरे साथ स्टूडियो में राजकुमार जी मौजूद है। राजकुमार जी भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। राजीव, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? क्या आपने इंडियन टीम की प्रैक्टिस फॉलो की? अगर की तो उसमें कैसा महसूस हो रहा है कि भारतीय टीम के खेमे में कैसा जोश है? देखिए, भारतीय अगर प्रैक्टिस सेशन की बात करें, राजकुमार जी, 10 बजे से प्रैक्टिस सेशन था, भारतीय टीम लगभग 10:45 बजे पहुंच गई थी। अगर हम बात करें साउथहैम्पटन के मैदान की, रोज बॉल जो बड़ा खूबसूरत सा मैदान पर मैच देखने जा रहे हैं, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि कटोरे में सजाकर अगर साउथ अफ्रीका भारतीय टीम को ये मैच दे दे तो इससे बेहतर बात कुछ होगी नहीं। और कुल मिलाकर अगर आप प्रैक्टिस सेशन की बात करें, वहाँ पे जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज था, तो पूरी की पूरी भारतीय टीम फिट है, सबसे बड़ी खबर यह है। और जिस तरह के प्रैक्टिस सेशन हम आगे भी आपको दिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे साउथहैम्पटन से, जहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, के राहुल की बात करें, जिन्होंने प्रैक्टिस मैचेस में शतक लगाए हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखें तो ओवरऑल देखें तो वो जो इन दिनों भारत में पूछा जाता है ना, हाउ इज द जोश, तो जोश बहुत हाई नजर आ रहा है भारतीय टीम का। और हमेशा अच्छी बात यह है कि पड़ोसी देश भी भारत का जोश जो है उसको डबल हाई कर रहे हैं, वो चाहे बांग्लादेश ने जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका को हराया या पाकिस्तान अब अच्छी क्रिकेट खेल रही है, तो ये जोश बढ़ाने वाली बात है कि आपके पड़ोसी अच्छा कर रहे हैं तो फिर आप भी अच्छा करें क्रिकेट के मैदान पर। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही राजीव, की पड़ोसी भी अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इंडिया तो बहुत अच्छा करेगा ही, पर साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं कर रहा है और उस बात का एडवांटेज भी हमें मिलता नजर आ रहा है। आप ये बताइए, फिलहाल थोड़ा इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, यहाँ वेदर बहुत टेम्परेचर हाई है और हमारी जो एशियन कंट्रीज है उनको भी बहुत हाई टेम्परेचर में खेलने की आदत है, तो उनको एडजस्टमेंट में अभी तक आई थिंक हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर चुके हैं इंडियन टीम भी वहां पर उस वेदर में अकस्टम करने के लिए अपनी बॉडी को। टेम्परेचर की अगर बात करें मिशा,
सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर यह है कि मैदान के बाहर अगर आपको बहुत ठंडक नजर आएगी तो मैदान के अंदर उतनी गर्मी होगी, क्योंकि जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं वो चाहे दो बड़ी टीमें आपस में खेल रहे हो या एक बड़ी और एक छोटी टीम, आपने देखा होगा किस तरह से अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को मात देके मैदान पर माहौल को गर्म कर दिया। तो ये वर्ल्ड कप है, यहाँ मैदान पर गर्मी रहेगी। यहाँ भले ही हम बहुत खुशगवार से मौसम में खड़े हैं, आप देख सकती हैं बड़ा खुशनुमा सा मौसम है यहाँ इंग्लैंड में, लेकिन ओवरऑल अगर आप जाएँ तो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। वर्ल्ड कप बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई 4 साल की मेहनत अपनी गाँव पर लगाता है, तो इस लिहाज से इंग्लैंड के मैदानों में मैं खासतौर से कहूँगा कि बहुत गर्मी देखने को मिलेगी। और कोई बड़ी बात नहीं, जब भारतीय टीम को आप 5 जून को देखें, हम सब तो यहाँ से देखेंगे, मैदान से रूबरू होंगे भारतीय टीम से, लेकिन आप सब टीवी पे देख के इस बात का एहसास ज़रूर लगा लेंगे कि भारतीय टीम कितनी तैयारी के साथ इस वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच के लिए मैदान पर उतरेगी। बिल्कुल मनीषा, और मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत देर से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वही एक ऐसी टीम है मेरे ख्याल से जो अभी तक कोई भी मैच नहीं खेली और वो लास्ट मैच खेलेगी। तो राजीव, मुझे लगता है कि काफ़ी डेस्परेट होगी इंडियन टीम जल्दी से जल्दी मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि 2 प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद भी उन्हें काफ़ी समय मिला है और अब वो तैयारी कर रहे होंगे इस क्रूशल मैच की, जो जहाँ से वो अपना आगाज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी टीम बिल्कुल रेयरिंग टू गो होगी, क्यों राजीव, आपको कैसा लगता है? जी मुझे भी यही लग रहा है राजकुमार जी। देखिए जिस तरह से प्रैक्टिस मैचेस में भारतीय टीम का कारवा आगे बढ़ा था, आप याद कीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हार गए थे प्रैक्टिस मैच ओवल में, फिर हम कार्डिफ में मैच जीते, और उसके बाद भारतीय टीम का जो प्रैक्टिस सेशन है हर दिन कुछ ना कुछ भारतीय टीम नया कर रही है। आज भी हमने साउथहैम्पटन में देखा महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको तो आगे दिखाएंगे महेंद्र। इसके अलावा विराट कोहली की अगर हम बात करें, शिखर धवन, रोहित शर्मा एक अलग तरह की स्पेशल ट्रेनिंग में नजर आ रहे थे, ये सब कुछ, ये सारी बड़ी रिपोर्ट्स हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। लेकिन राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, विराट से आपकी बात हुई होगी, जिस तरह से विराट के चोट को लेकर कल कयास लगाए जा रहे थे, आपकी उनसे बात हुई, हालांकि हमने तस्वीरें ये दिखाई हैं कि वो फिट हैं, आपको लग रहा है साइकोलॉजिकली थोड़ा सा यहाँ पर प्ले करने की भारतीय टीम ने कोशिश की है कि कप्तान को चोट लगी है, थोड़ा सा विरोधी खेमे को थोड़ी सी यहाँ पर राहत पहुँचाई जाए कि विराट कोहली थोड़े से अनफिट है? नहीं देखिए राजीव, आप जानते हैं विराट जिस तरह का खिलाड़ी है, पहली बात तो खुशखबरी है कि उसके बहुत माइनर सा वो लगा था बॉल और बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, जिसका उसी टाइम पैट्रिक ने देखा और उन्होंने बोला खाली आइसिंग करनी है, तो वो उन्होंने किया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि विराट एक ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर वो 50% भी फिट होंगे तो भी वो कोई भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो जानते हैं कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन उनका कितना बड़ा रोल है इस भारतीय टीम में, तो वो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है। और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो छोटे मोटे निगल की तरफ परवाह भी नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि क्रिकेटर को कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटा मोटा निगल रहता है, तो विराट एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो उसकी वजह से कोई मैच और दैट टू वर्ल्ड कप छोड़ेंगे ऐसा कोई सोचे तो वो गलत है। तो राजकुमार जी, विराट तो खुश है, हिट है, हम बहुत खुश हैं, इंडिया को भी खुश होना चाहिए कि वो जो चोट थी वो माइनर थी एंड ही इज एब्सोल्युटली फिट टू परफॉर्म द बेस्ट। राजीव आपसे सवाल ले लेते हैं, साउथ अफ्रीका का जो मनोबल है वो तो बड़ा बुरी तरह से चकनाचूर हो रखा होगा इस वक्त, क्योंकि 2 मैच हारे हैं, और इंडिया के लिए बड़ी बात ये कि इंडिया का पहला शुरुआती मैच है, हाई होप्स हैं, इंडिया के लिए वाइब कैसी है इंग्लैंड में ये भी बताना। देखिए इंडिया में तो बहुत हाई है होप्स अगर बात करें, और जोश भी बहुत हाई है हमेशा यहाँ पर, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ इंडियंस रहते हैं, और अगर हम साउथहैम्पटन की बात करें तो सारी टिकट्स बिक चुकी हैं, और अगर ऐसे में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से डाउन होकर अगर वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगा भारतीय टीम के खिलाफ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का क्या हाल होगा। और जब साउथहैम्पटन, जो रोज बॉल के नाम से मशहूर है, पूरा स्टेडियम जब तिरंगे लहरा रहे होंगे, वहाँ पे तमाम नीली जर्सियाँ आपको नजर आएंगी, तो शायद भारतीय टीम का मनोबल और आसमान की तरफ चला जाएगा। तो एक तरफ एक ऐसी टीम है जिसका मनोबल बहुत जमीन पर लगा हुआ है, दो मैचेस वो हार चुके हैं, और एक मैच अगर भारतीय टीम के खिलाफ हारते हैं तो ऑलमोस्ट उनके टूर्नामेंट से बाहर होने का रास्ता भी तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दक्षिण अफ्रीका को इस मैच से पहले या इस टूर्नामेंट से पहले ये माना जा रहा था कि भारतीय टीम के लिए पहले 4 मैच
बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने मिशा अभी इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि भारत के लिए कम से कम पहला मैच उतना आसान रहेगा जितना कि हम सब अब सोचने लगे हैं। बांग्लादेश ने जिस तरह से हराया है दक्षिण अफ्रीका को, हम सब ने तो ये मान लिया है कि ये विराट का वर्ल्ड कप है, और ऐसे में विराट को चोट लगने की खबर आती है तो दिल तो घबराएगा ही, लेकिन अब राजकुमार जी ने बता दिया है सब ठीक है, ही इज फिट एंड ही इज सुपर हिट, ही विल प्ले एंड ही विल शाइन लाइक अ स्टार। राजकुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। राजीव मेरे सहयोगी इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं जहां पर मैच होने वाला है। रितेंद्र, क्विकली आपसे एक सवाल ले लेते हैं, विराट की चोट की खबर आई, हम घबरा गए थे, क्या आप घबराए थे? अब वो फिट है वैसे मैं बता दूं। जी हाँ, शुक्र है भगवान का हमेशा विराट फिट हैं, क्योंकि विराट पे ये वर्ल्ड कप खड़ा है, ही इज द एक्स फैक्टर, द यूएसपी ऑफ अ टीम, तो वो फिट हैं, तो आई एम श्योर सब शुक्र मना रहे होंगे, पूरा देश शुक्र मना रहा होगा, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि विराट का बल्ला गरजे और भारत वर्ल्ड कप जीते। महेंद्र सिंह धोनी इसलिए स्पेशल है क्योंकि 300 से ज्यादा मैचेस खेलने वाले इस वर्ल्ड कप में एकमात्र खिलाड़ी, वहीं के राहुल की बात करें तो इसलिए स्पेशल माने जा रहे हैं कि तमाम तरीके की परेशानी के बाद उन्होंने अपने खेल को बहुत निखारा है। रितेंद्र, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा यहाँ पर, किस तरह से आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होगा? के राहुल और महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने प्रैक्टिस मैच में शतक लगाया और प्रैक्टिस सेशन जो कुछ हमने देखा साउथहैम्पटन में वो बिल्कुल अलग नजर आया इन दोनों बल्लेबाजों के साथ। जी हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आप इंग्लैंड चले गए हैं, वहां की सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, हमें यहाँ गर्मी में छोड़ गए हैं, बट दैट इज ऑन लाइटर नोट। जी आपने सही कहा, महेंद्र सिंह धोनी और केएल राहुल दे आर पिवोटल फैक्टर्स, इन पे बहुत निर्भर कर, अब यही नजर आ रहा है राहुल खेलेंगे, उन्होंने 100 रन बनाए हैं प्रैक्टिस मैच में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि उस पोजीशन में अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है कि कौन वहां सेटल होगा, तो राहुल के पास बड़ा मौका है और धोनी जिस तरह उन्होंने वापसी की है अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, अगर उनका बल्ला गरजता है, कोहली का बल्ला गरजता है, तो ये वर्ल्ड कप हमारा है। राजकुमार जी आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह रितेंद्र कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमारा होगा लेकिन इसके लिए आपको सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, भारतीय टीम के साथ परेशानी है कि साउथहैम्पटन के मैदान पर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं हुई है इस वर्ल्ड कप में, ओवल में मैचेस खेले जा चुके हैं, नॉटिंगम में खेला गया, लेकिन साउथहैम्पटन के पिच के बारे में कहते हैं आप जब तक मैदान पर नहीं उतरते आप पिच के बारे में नहीं बता सकते, यहां से जो कुछ अनुमान ये लग रहा है कि आपके दोनों स्पिनर खेलेंगे, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोइन अली खेले थे भारतीय टीम के खिलाफ पिछले साल और 6 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, आपको लग रहा है जो कुछ संकेत प्रैक्टिस सेशन से निकल के आ रहे हैं दो स्पिनर खिलाएंगे विराट कोहली इस पहले मुकाबले में? बिल्कुल राजीव, वो दोनों हमारे ट्रम्प कार्ड्स हैं और वो हमारा, मैं कहूँगा हमारी स्ट्रेंथ है और वही उसको हम ज़रूर दोनों को खिलाना होगा क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को क्योंकि बहुत अच्छे से रीड नहीं करते हैं साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स को, तो मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों ही अटैकिंग गेंदबाज हैं और जिस तरह की क्रिकेट विराट और रवि खेलना चाहते हैं तो उनका यही तवज्जो होगी कि हम रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स लें और रिस्ट्रिक्ट करें साउथ अफ्रीका को और कम स्कोर पर आउट करें, तो उसके लिए वो चांस ज़रूर लेंगे। हालांकि ये बात तय है कि इन दोनों के खेलने से हमारी टेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि और जो हमारे दो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं, तो कुल मिलाकर इन दोनों स्पिनर्स के खेलने से हमारी टेल, और एक आपकी भी राय जानना चाहूंगा, ककिशोर रबाडा ने विराट कोहली को कह दिया कि वो अभी ज्यादा मैच्योर नहीं हुए हैं, आपको क्या लग रहा है इस बारे में, जिस तरह से विराट कोहली को टारगेट किया जा रहा है, अलग अलग कंट्री के जो प्लेयर्स हैं और बड़े प्लेयर्स हैं टारगेट कर रहे हैं, मैच अभी भारतीय टीम ने खेलना शुरू नहीं किया है, साइकोलॉजिकल गेम माने या किस तरह से आप देख रही हैं ये जो बयान निकल कर आते हैं? देखिए मुझे क्लियरली ये साइकोलॉजिकल गेम से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है, पर उन्हें नहीं पता है कि कितने टफ प्लेयर हैं विराट कोहली, ही हैज दैट मेंटल स्ट्रेंथ कि वो इन सब चीजों को दरकिनार करके ही विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द कप, दैट इज व्हाट आई फील, आई होप राजकुमार जी एग्रीज टू दिस ओपिनियन ऑफ माइन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, विराट को तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि रबाडा अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, उनकी अभी उम्र काफी कम है और अभी उन्हें काफ़ी वक्त चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में एक विराट जैसे प्लेयर के लिए बोलने के लिए, तो अभी शायद थोड़ा उन्हें उम्र के साथ वो मैच्योर होंगे और ऐसे बयान आगे से नहीं देंगे। बिल्कुल, और राजीव कहीं ना कहीं मेरे जहन में साउथ अफ्रीका बार बार वापस आ रहा है, विराट कोहली पे हमें पूरा ट्रस्ट है, उनकी टीम पे पूरा ट्रस्ट है, रितेंद्र से मेरे ये सवाल है, रितेंद्र साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाती है, बांग्लादेश से भी हार जाती है, बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया है या साउथ अफ्रीका का कुछ गड़बड़ चल रहा है और ये बात इंडिया को बहुत बेनिफिट में जाने वाली है?
अमिशा, जो आप जिक्र अभी कर रहे थे रबाडा के कमेंट की, और जैसे साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है तो ऐसा ही दिख रहा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। क्योंकि क्रिकेट आप अच्छी खेल नहीं रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं विराट कोहली के बारे में बोल रहे हैं, तो विराट कोहली तो आपको जवाब 5 तारीख को इसका देंगे। और जिस तरह हम सब बात कर रहे हैं, इस समय साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिली हुई है, बांग्लादेश ने उनको चारों खाने चित किया है, तो कैसे भारत के सामने, भारत की दिग्गज टीम का वो सामना करेंगे, ये आसान नहीं है। और भारतीय टीम अब एडवांटेज पे है, वो जानते हैं साइकोलॉजिकली वो डोमिनेट कर सकते हैं साउथ अफ्रीका को। बिल्कुल राजीव, पूछना चाह रहे हैं कुछ जी। रितेंद्र, मुझे जो आपने कहा कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, उसका उल्टा नजर आ रहा है मुझे, कि ऊंची दुकान तो ठीक है, मीठे पकवान है, क्योंकि पकवान भारतीय टीम खाने का काम कर रही है यहाँ पर, कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश ने पकवान खा लिया दक्षिण अफ्रीका का, उससे पहले अगर आप देखें तो एक टीम ने और पकवान खा लिया, तो बचा क्या है अब, तो मीठे पकवान है दक्षिण अफ्रीका के, और भारतीय टीम भी खाएगी आराम से। जी हाँ बिल्कुल राजी, आपने सही कहा, बड़ा मौका है उनके पास, क्योंकि जब आप बांग्लादेश से हार जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप वापसी करना आसान नहीं है। बड़ा इवेंट जहां पे एक बड़ा मैच था बांग्लादेश के साथ, वहां पे चारों खाने चित हो गई है, साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ कैसे खेलेगी, तो आपने पकवानों की बात की, जी हाँ अब पकवान खाने का मौका है भारत का, विराट कोहली का, रवि शास्त्री का। और एक और बात मेरे जहन में आ रही है राजकुमार सर, आपसे पूछना चाहूंगी, अब इंडिया पहला मैच खेलने जा रहा है, तो इंडिया पर प्रेशर क्या डिफरेंट होगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट साउथ अफ्रीका इज नॉट इन सच अ गुड कंडीशन, बट क्या किसी तरह का दबाव लेके उतरेंगे, क्योंकि हाई होप्स तो एक बैगेज है जो कैरी करना ही पड़ेगा उनको कैरी। नहीं देखिए, वर्ल्ड कप का पहला गेम है, नेचुरली थोड़ा सा बटरफ्लाइज तो होंगी स्टमक में सभी प्लेयर्स के, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, 4 साल में आता है, आप उसके लिए पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन अच्छी बात यह है कि आप साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं जो अपने दोनों पिछले मैच हार चुकी है, और अभी जब हम लोग साउथ अफ्रीका ट्रेवल किए थे तब भी हम उन्हें 4-1 से हरा कर आए थे, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर साउथ अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा होगा, और भारतीय टीम मतलब शानदार मनोबल के साथ और अच्छे मोमेंटम के साथ क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड पहुंची है, तो उसका डेफिनेटली फायदा भारतीय टीम को होगा, फायदा नजर आ रहा है। राजीव आपसे समझ लेती हूँ, आपने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं इंडिया टीम के, आपसे ये समझ लेते हैं कि किस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज, क्या कोई दबाव नजर आ रहा है इंडियन प्लेयर्स पर? देखिए भारतीय टीम का प्रैक्टिस सेशन अब से थोड़ी देर बाद खत्म हुआ है, और दक्षिण अफ्रीका की टीम साउथहैम्पटन पहुंचने वाली है, और अब प्रैक्टिस वो कल करेंगे शायद, लेकिन कुल मिलाकर जो मोरल की बात आप कर रही है ना, वो मोरल बहुत नीचे है दक्षिण अफ्रीका का, जब से एबी डिविलियर्स गए, उनके जो रेगुलर कैप्टन हुआ करते थे, और लगभग फार डू प्लेसिस पिछले 6-8 महीने से कप्तानी कर रहे हैं, वो टीम में जो कहते हैं ना एक लिंक चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है दक्षिण अफ्रीका टीम में, तमाम बड़े बड़े नाम से उनके पास, लेकिन स्ट्रगल कर रही है ये टीम, और इस टीम को मैच जीतने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और राजकुमार जी ब्रेक पे जाएं, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम जिसको चोकर का टैग लगा हुआ था वर्ल्ड कप में, और अब तो लग रहा है कि चोकर नहीं वो जोकर ना साबित हो जाए कहीं इस वर्ल्ड कप में। बिल्कुल राजीव, ये एक बड़ा टैग है उनके नाम ये चोकर्स का, वो जो कि वो भी भली भांति जानते हैं कि हमारे ऊपर टैग है चोकर्स का, एंड स्टिल वो रिपीटेडली ऐसा करते हैं, और स्पेशली वर्ल्ड कप में उनके साथ हमेशा ऐसा होता है, और अब तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है उनके साथ कि उनके 2 एस फास्ट बॉलर्स दो अनफिट हो गए हैं, डेल स्टेन और एंगिडी भी दोनों फास्ट बॉलर अभी अनफिट हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी परेशानियां हैं उनके ऊपर, और साइकोलॉजिकली इतने दबाव में से उभरना, दैट टू भारतीय टीम के अगेंस्ट खेलना बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीका के लिए। शिवाजी, चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी दक्षिण अफ्रीका और भारत का जो ये मैच है, और इंग्लैंड में भी हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर चर्चा हो रही कि ये मैच दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज बनाम भारत के टॉप 3 बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर तो जिस तरह से हारी है दक्षिण अफ्रीका, ऐसा लग रहा है ये जो चर्चा है उसमें विराम लग जानी चाहिए, आपको लग रहा है पूरी तरह से विराम लगेगी 5 जून को? नहीं बिल्कुल विराम लग जाना चाहिए राजीव, जिस तरह हारी है साउथ अफ्रीका, और जिस तरह मुझे तो अब उनके फास्ट बॉलर्स भी नहीं नज़र आ रहे, जो एक रबाडा को अगर आप छोड़ दें उसके और अलावा कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं नज़र आ रहा जो कि हमारी टीम को परेशान कर सके या जिससे डर हो कि वो रन थ्रू कर सकते हैं,
और भारतीय बल्लेबाजी बहुत सक्षम है, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं। ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस मैच में रन नहीं बना पाए, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह की मेहनत उन्होंने अभी प्रैक्टिस में आप लोगों ने दिखाया करी है, तो वो ज़रूर फायर करेंगे और भारतीय टीम काफ़ी बेटर लग रही है ऑन पेपर भी, और मुझे लग रहा है फेवरेट्स है इस पर्टिकुलर मैच को जीतने की। राजीव, मुझे यूं लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की तरफ तो जिसकी जो अजम्पशंस थी वो खारिज हो गई हैं दो मैच हारने के बाद, लेकिन इंडिया की तरफ पूरी टीम जो है, बाकी नौ टीमें, वो पूरी टिकटिकी लगा के ये मैच देखने वाली हैं, क्योंकि इंडिया हॉट कंटेंडर है वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल मिशा, और देखिए हमेशा कहते हैं कि जब आप मैदान पर उतरते हैं तो मामला यहाँ पर ये होता है कि अगर हाथी आप अपने आप को समझ रहे हैं तब भी आप चींटी से आपको सावधान रहना है, क्योंकि चींटी आपको परेशान कर सकती है। तो दो मैच हारने के बाद अगर दक्षिण अफ्रीका को भारतीय टीम कमजोर आ रही है तो शायद ये बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अपने आप में देखिए बड़ी टीम है, उसको हमेशा से बहुत हाईली रेट किया जाता रहा है वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप के अलावा वनडे क्रिकेट में अगर आप देखें तो कई बड़े मैच विनर्स हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आता है दक्षिण अफ्रीका टीम के साथ कि वो एक टीम की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं, और इस वर्ल्ड कप में तो स्ट्रगल हमने देखा है कि पहले ही मैच से दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरू हो चुका है। ठीक है राजीव, आपसे बस यही कहेंगे कि आप डटे रहिए इंग्लैंड में और हमें पल पल की हर खबर से बाखबर कराते रहिएगा, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कहीं काम करने के चक्कर में खाना खाना मत भूल जाइएगा। आपसे बहुत कुछ जानेंगे, वहां का वेदर, वहां के फैंस की क्या वाइब है, वो सब कुछ आपसे जानेंगे। चलिए राजीव, मैं अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि पल पल की हर जानकारी आप बटोर के रखिएगा, हम वापस आपको रोज इसी तरह हम वर्ल्ड कप से रिलेटेड पूरी जानकारी राजीव से लंदन से लेते रहेंगे, और इंडिया की पूरी की निगाहें इस वक्त सबकी इंग्लैंड की तरफ हो गई हैं। वर्ल्ड कप 2019 सब चाहते हैं हिंदुस्तान जीत कर वापस लाए विराट की टीम, और राजीव इंडिया न्यूज़ के लिए वहाँ पल पल की अपडेट देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। राजीव अपना ख्याल रखिएगा और पल पल की अपडेट हमें पहुंचाते रहिएगा। आपसे ये भी जानेंगे कि आप वहां क्या कुछ मजे कर रहे हैं और वहां की लोकल लुक फील वाइब वो सब भी आपसे जानने के लिए फिर से मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। What a knock from what a player.